अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, ऐमन ख़ान को मिली एक बुरी ख़बर। ऐमन ख़ान की करीबी दोस्त अदाकारा का घर पानी में डूब गया। बेचारी का सब कुछ तबाह हो गया। बेचारी इसी चीज़ पर अपना घर चलाती थी। सारे रिस्क का बंदोबस्त भी उनका यही पॉलर था। दिखाएंगे बताएंगे आज इस वीडियो में कौन सी हैं वो उनकी करीबी दोस्त और क्या कह रही हैं ऐमन ख़ान उनके बारे में। बताएंगे दिखाएंगे आज इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शोबी से आने वाली नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। ख़वातीनो हज़रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है कराची के बुरे हालात थे। अभी तक कराची जो है पानी में डूबा हुआ है, ना गैस है ना बिजली है, और 3-4 दिन से मुसलसल लगातार बारिश हो रही है और इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही। हर तरफ से दुआओं की अपील की जा रही है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारे हालात को बेहतर फरमाए। वहीं पर दूसरी तरफ ऐमन ख़ान काफ़ी परेशान दिखाई दिए और कुछ तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की जो उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त की थी। वो उनकी दोस्त, उनकी हमसफ़र, जो हर काम में उनके साथ दिखाई देती थी, चाहे उनका ब्राइडल शूट हो कोई या फिर कोई इवेंट, वो वहीं से तैयार होती थी। ना सिर्फ ऐमन ख़ान बल्कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ भी वहीं से तैयार होते और बड़े ही खूबसूरत तैयार करती। वो उनकी कमाई का वही वाह सहारा था। उनका घर और उनका वो पॉलर डूब गया पानी से और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई। जी हाँ ख़वातीनो हज़रा, यहाँ हम बात कर रहे हैं सना सारा सैलून की, जिन्होंने सारा जो हैं उनकी भी वेडिंग को कवर किया, उनकी भी तमाम जो सर्विसेज उन्हें फ्राहम की और शादी के सारे फंक्शंस उन्होंने किए। ये आप देख सकते हैं उनके पॉलर का हाल, जो उनकी कमाई का ज़रिया था। हर तरफ से पानी है, छतों से पानी बह रहा है, सोफ़े पानी में डूबे हैं और हर तरफ घर में पानी, जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पानी है। बल्कि ये वो इलाका है जहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। ये DHA का वो अच्छा खासा इलाका है जहाँ पर लोगों को सेफ्टी मिलनी चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, आप सना सारा के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह नेकबान।